Hello friends, welcome to my YouTube gaming channel Born to Play Games. So friends, in this particular video, I am going to show you how can you fix lag in your laptop or PC. So without wasting any time, let's start the video. But before that, you have to like my video and subscribe my YouTube gaming channel Born to Play Games for the more informative videos. So let's start. So if you are an English visitor, then you have to visit my official website. You will get the link in description or in pinned comment also. So you have to read full article in order to understand how to fix lag in your laptop. This video is going to be in Hindi language. Okay friends, so let's start. तो और भाई लोग क्या हाल चाल है? तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी में या एलो एंड फटीचर लैपटॉप पे आप बोले तो अपना कैसे लैग फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि लैग होता क्यों है। तो यार यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपके पास हाई एंड पीसी है कि लो एंड पीसी है। अगर आप अपने लैपटॉप पे पीसी की अच्छे से मार के रख दिए हो तो वो लैग तो करेगा। तो भाई इसका कारण क्या होता है? तो पहला कारण तो ये होता है यार कि गूगल क्रोम जो है ना, सबसे बड़ा कारण है इसका। देखो, अगर आपको ये आर्टिकल को इत्मीनान से पढ़ना है, आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो मेरा वेबसाइट को विजिट कर लेना। वहाँ पे आप फुल आर्टिकल पढ़ सकते हो। वहाँ मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया हूँ। उतने सारे नॉलेज को एक सिंगल वीडियो पे बता पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक ऊपर ही ऊपर बताता हूँ। बाकी आप विजिट करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है गूगल क्रोम। देखो यार, एक तो वैसे फटीचर लैपटॉप होता है, फटीचर पीसी होता है, जिसकी औकात ज़्यादा नहीं होती। ऊपर से जो गूगल क्रोम में 50% से ऊपर की मेमोरी ले लेता है, तो यार आपके पीसी के लिए घंटा बचेगा कुछ। इसलिए गूगल क्रोम को क्लोज कर लेना अच्छे से ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तब जब आपके पास एक लो एंड पीसी है, या अगर आप हाई एंड गेम्स प्ले करने वाले हो, भले आपके पास हाई एंड पीसी हो यार, बट गूगल क्रोम क्लोज होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है ये कि आपका जो सी ड्राइव है वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। अब ये चीज़ आपको किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा, मतलब मेरे आर्टिकल में मिलेगा क्योंकि मैं तो लिखा हूँ उसे, पर ये चीज़ आप कहीं और से नहीं जानोगे कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन को प्ले करते हो तो सी ड्राइव का कुछ स्पेस को ले लेता है, सी ड्राइव के कुछ स्पेस को ले लेता है। यानी कि अगर आप कोई बड़ा गेम प्ले कर रहे हो तो आपका सी ड्राइव का 4 से 5 GB ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा, बट ये टेम्पररी फुल होगा, टेम्पररी 5 या 6 GB ये कंज्यूम करेगा। और जैसे ही आप अपने उस एप्लीकेशन या गेम को क्लोज कर देते हो, ये अपना मेमोरी वापस ले लेता है, यानी कि वापस उसे फ्री कर देता है। तो इससे आप समझते क्या हो? निष्कर्ष ये निकला कि आपको सी ड्राइव को खाली रखना है, कम से कम 10-12 GB तो यार खाली होना चाहिए, मतलब सांस लेने लायक तो होना चाहिए यार। ये तो वैसे ही टाइप की बात हो गई कि अगर आप किसी बंदे को दौड़ा रहे हो और उसके चेहरे पर मास्क लगा दिए, ले बेटा अब तू दौड़, भाई सांस तो लेना है ना उसे। तो इसलिए सी ड्राइव पे थोड़ा सा स्पेस आपको रखना भी होगा। उसके बाद का जो सिस्टम है, लैग क्यों होता है? तो भाई बात ऐसी है कि आप पीसी को बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हो, तो उस पर आपके टेम्पररी और कैच फाइल जमा हो जाते हैं। तो सिंपली आप रन कमांड में जा करके %temp% वाला कोड लगा करके जो फोल्डर पे आप पहुँचते हो उसे आप पूरा डिलीट कर लो, सबको डिलीट कर दो, सब फालतू चीज़ है। और ऐसा ही प्री फैच के भी कर सकते हो। आप रन विंडो खोलो, उस पर प्री फैच सर्च करो, PREFETCH, और जितना भी फाइल आता है सबको डिलीट कर दो, हो गई वही सिंपल सी बात। और ये सबसे भी अगर आपका पेट नहीं भरता है तो कुछ मेमोरी क्लीन करने वाला ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं सजेस्ट करूँगा कि MemReduct को डाउनलोड करो, लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। MemReduct क्या करता है, जो आपकी मेमोरी कंज्यूम हो रही होती है उसे थोड़ा फ्री करता है। मतलब आप टास्क मैनेजर में कंपेयर करके देखोगे MemReduct यूज़ करने के पहले और बाद का, ये कितनी मेमोरी को क्लीन करता है, आप अचंभित हो जाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट पे बताओ कि कैसा था वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय।